ବେଳେ G20 ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ G20 ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି G20କୁ ନେଇକି ଆମ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଏମ୍ର ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା G20କୁ ନେଇକି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଓ ଜୀ ହେ ସାର୍ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ G20 इंडिया का बड़ा भागीदारी है यहाँ अध्यक्षता करता है क्या लगता है आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये विश्व में भारत का हमको यहाँ से अपियरेंस फर्स्ट टाइम ग्लोबल फोरम में इंडिया को इतना महत्व भूमिका निभाने का मौका मिला है और सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं हम G20 के प्रेसिडेंट हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा मौका हमारा जो कुछ प्रगति किए हैं पिछले 75 साल में ये उसको हम विश्व को देख शोकेस कर सकते हैं क्योंकि आप देखिए कि पिछले 3-4 साल में इंडिया में ऐसा वैक्सीनेशन हुआ तो विश्व के कोई देश में ऐसा नहीं हुआ ऐसा सक्सेस भी है ये सभी को हम शोकेस करते हैं कर सकते हैं और हमारे परंपरा को और हम विश्व से भी ले सकते हैं जो प्रोग्रेस जो प्रगति और कहाँ हुआ है उसको एक बारे में हम सीख सकते भी तो दोनों आपस में देने का और लेने का दोनों का भी एक बहुत अनयूजुअल अपॉर्चुनिटी बिग अपॉर्चुनिटी मिला है हमें लोगों का अब लोगों को लिए क्या मैसेज जा रहा है क्या प्रॉफिट रहने के लिए आपका डिसीजन तो उसको आज का टॉपिक है ना लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस लर्निंग वो स्टूडेंट्स को हम ये रीइन्फोर्स करना है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग माने तो आजीव पर्यंत अध्ययन बोल सकते हैं इसके बारे में हमारे संस्कृति में बहुत पुरानी परंपरा है क्योंकि एक उत्तर तैतरीय उपनिषद है ना वहाँ 12 श्लोक है वहाँ एक एक श्लोक में भी बताता है कि हम जो कुछ कर्म करें उसका साथ अध्ययन भी करें वो हम शाला में जो शिक्षा पाते हैं उसके बाद जो हम कुछ काम तो करते हैं वो ऐसे बोलता है कि ऋतंच स्वाध्याय प्रवचनेश्च सत्यंच स्वाध्याय प्रवचनेश्च अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचनेश्च आतिथ्यंच स्वाध्याय प्रवचनेश्च इसका मतलब है कि आतिथ्य ले ले हॉस्पिटैलिटी हमारा कर्म तो हॉस्पिटैलिटी हो सकता है लेकिन उसके साथ भी हम स्वाध्याय सेल्फ लर्निंग करना है हमारा काम तो है हम हॉस्पिटैलिटी होटल चालू कर रहे हैं उसके साथ किसी के बारे में हॉस्पिटैलिटी के बारे में ही हम स्वाध्याय करना है और जो ज्ञान पाते हैं अपने स्वाध्याय से प्रवचनेश्च प्रवचन देके उस ज्ञान को दूसरों से बांटना है और ये 12 लाइन के बाद एंडिंग लाइन है तद्दी तपह तद्दी तपस असली तपस्या का मतलब यही है कि हम जो कुछ काम करें जीवन में उसके साथ अध्ययन अपने आप से अध्ययन करें और वो ज्ञान को दूसरों से बांटे हमारे जमाने में आया तो ये तो आज का आवश्यकता है मूल आवश्यकता है मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ मैं इंडस्ट्री में काम करके 2014 में अध्ययन टीचिंग के लिए वापस आया मैंने पहला सब्जेक्ट जो टीच किया वो ई कॉमर्स सभी जानते हैं अमेजन है फ्लिपकार्ट है सभी इसके जाने में कुछ ना कुछ जानते ही है और 9 साल बाद आज क्या इसी सब्जेक्ट में क्या सिखाता हूँ क्लास में वो लगभग 60 से 70% बदल गया है तो मुझे 9 साल में मेरा पूरा ज्ञान को पूरा चेंज करना पड़ा और दूसरा ये इसके दो इफेक्ट है पहला है तो ज्ञान इतना बढ़ रहा है 2014 में क्या ई कॉमर्स था आज ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है इतना बदल गया है